हेलो एवरीवन। सो अपनी आज की कंपनी है तुलसिया नेक लिमिटेड। बेसिकली कंपनी स्टॉक है, मतलब जो कंपनी है वो कंपनी है अपना स्टील सेक्टर में। कंपनी स्टील के वायर वगैरह एंड अपने TMT वायर वगैरह बनाती है कंपनी। एंड कंपनी पावर सेक्टर में भी है, कंपनी कुछ पावर प्लांट्स अपना संभालती है। देन इसके साथ साथ में 4 विंड मिल्स हैं, तो वहाँ चेक किया। सो कंपनी के क्लाइंट्स हैं, कंपनी के काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स में हैं अडानी, DLF, इन्फोसिस, L&T, विप्रो, काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं। अभी चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स अपने ये हैं इसके। बेसिकली कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो है 30 करोड़ ओनली। ROCE अभी माइनस में चल रहा है, -0.73 ROE नहीं है। देन कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स पर जा के देखते हैं। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, सितंबर का 22 का आया 216, तो 116 करोड़। एंड मार्च में आया था 375 करोड़। एंड जून 22 में आया 8 करोड़ का प्रॉफिट। ईयर ईयर के प्रॉफिट की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा देखने मिला है। 22 में लास्ट ईयर 791 करोड़ का काफ़ी हैंडसम प्रॉफिट है। अगर पीछे के हम देखें तो कंपनी कंटिन्यूसली 8-9 साल से लॉस करती हुई आ रही है। एक ये कंपनी तकरीबन 8 साल से लॉस करती हुई आ रही है। अब कंपनी आकर अच्छा प्रॉफिट दिखाया कंपनी में। एंड अच्छी बात यह है कि इसने ना अपनी बोरिंग्स कम करी है, उधार इसने कंपनी ने कम किया, डेप्ट कम करते जा रहा है। आप 17 में देख सकते हैं, 17 में 1116 करोड़ है, जो कि 18 में हो गया था 1181 करोड़, एंड 19 में हो गया था 1325 करोड़, एंड 20 में हो गया था 1463 करोड़, एंड 21 में था 1486 करोड़, है ना। अब देखो मार्च के 22 में बिल्कुल आधे से भी कम कर दिया कंपनी ने, 630 करोड़। 22 में सितंबर में आते आते 399 करोड़। मुझे लगता है कि दिसंबर रिजल्ट आएंगे उसमें तो ख़त्म ही हो जाएगा शायद। देन अगर प्रमोटर्स की मैं बात करता हूँ तो प्रमोटर्स आप देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 70.45, पब्लिक की है 29.54। ओके, अब चलते हैं इसके इस चार्ट पे। तो चार्ट आप देखिए, इस चार्ट में इस चार्ट की ऑल टाइम हाई है वो 143 पे है, ठीक है। सो और कंपनी में बड़े वॉल्यूम ना यही दिख रहे हैं, 1, 2, 3 सबसे बड़ा इधर है और बाकी 2 इधर है। इसके बाद मेरे को ना कहीं भी कोई भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। अगर दिसंबर का रिजल्ट अच्छा आता है तो मे बी यहाँ कोई वॉल्यूम बन जाए इस जगह पे, और हो सकता है स्टॉक यहाँ से ऊपर घूम जाए एंड प्रॉफिटेबल सौदा रह सकता है अपने लिए। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ डेली चार्ट पे, इसमें कुछ चल रहा है। तो ये आप देखिए, ये देखो ये स्टॉक चल रहा है, तो अपना काफी जंप लेके ऊपर जा रहा है। अगर मैं कहूं तो काफी अपर कट लगा के, अपर सर्किट लगा के ऊपर जा रहा है। नीचे आया तो अपर सर्किट से आया, एंड ऊपर गया तब भी अपर सर्किट से गया। बट यहाँ ज्यादा एक्साइटिंग वॉल्यूम नहीं है जो हमको एक्साइट कर रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। बट देखिए जैसे जैसे कंपनी का फंडामेंटल्स बता रहे हैं आगे के लिए, वो तो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। मतलब हो सकता है पॉजिटिवली, बट 30 करोड़ की कैपिटल थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। बट यहाँ जो वॉल्यूम्स हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो फिर से मैं आता हूँ मंथली चार्ट पे, डेली चार्ट लगाया मैंने आपके लिए। अभी मंथली चार्ट में फिर से आ गया। अगर देखो यहाँ हमको इस जगह पे इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, तो मे बी पॉसिबिलिटी हो कुछ पॉजिटिविटी की इस स्टॉक में। बट फिलहाल तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कोई ले जाए, मैं खुद भी नहीं लूँगा कुछ, में कभी कोई कैसी भी एंट्री नहीं है। बट हाँ, इसका रिजल्ट अच्छा आया था तो इसलिए मैंने इसको शेयर किया है। बाकी की अगर आगे रिजल्ट अच्छे आते हैं, इसमें डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा एक, एंड देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगर वॉल्यूम बन गया और स्टॉक यहाँ से ऊपर चल गया तो पॉसिबिलिटीज है कि अच्छा रिटर्न दे जाए, पर कुछ नहीं पता। बस रिजल्ट अच्छे, एक साल का रिजल्ट अच्छा आया है, मैं उसी के बेस पर कर रहा हूँ। आगे कुछ आता है तो कुछ नहीं देखा जाएगा, और क्या चल रहा है कंपनी के अंदर ये भी नहीं पता। बट ठीक है, हो सकता है यहाँ से घूम जाए स्टॉक। सो कोई एंट्री नहीं, कैसे भी एंट्री नहीं, वेट करेंगे। सो डन फॉर टुडे।